बताइए आप क्या कहेंगे कल जो बयान आया है मुख्यमंत्री जी का सदन में, वो भी सदन के बयान से तो सब लोग पता है कि उनका बोली जो था वो गलत बोले ही है, लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए, सदन का मर्यादा का भी उल्लंघन हुआ इसमें। हम लोग काफी उदास है, बिहार के सभी लोग चाहे मैंने बिहार की जो छवि है वो धूमिल हुई है पूरे, हाँ इसमें तो धूमिल हुई है, ऐसा वर्ड के जो लास्ट वाला वर्ड इसकी नहीं इस्तेमाल किया था मैंने, एक मुख्यमंत्री होने के नाते बयान नहीं नहीं सही है, मुख्यमंत्री नजर हो गए ये बयान सही नहीं है, उनको बोलना ही था तो अपनी बोले, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरे हिसाब से बोलते हैं, जनसंख्या के लेकर वो बोले थे, सबको अनुभव था, लेकिन इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, ये बहुत ही शर्मनाक बात है मुख्यमंत्री के नाते, उनको क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तमाम लोगों से, बिल्कुल बिहार की जनता से और देश के भी कई सारे चैनल पर चल रहा है हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल मैंने शर्मनाक, हाँ बिल्कुल शर्मनाक है, वो तो सारे लोग जान रहा है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा वर्ड मुख्यमंत्री के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए शब्द अच्छा नहीं है। आप बताइए, आप भी कल बयान देखा होगा आपने मुख्यमंत्री जी का, कितना सही मानते हैं आप उस बयान को? बहुत गलत बोले हैं, पहले विधानसभा में फिर विधान परिषद में, और जिस पोस्ट पे अभी नीतीश कुमार जी है, बिहार के सीएम है, उस पोस्ट पे रहते हुए उनको अब ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि इस तरीके की किसी भी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करें, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, सारा जगह बवाल हो रहा है, जहाँ पे ये बात बोले हैं वहाँ पे अगल बगल जो है लेडीज भी बैठी थी उनका भी मतलब मैंने देखा, मतलब शर्मसार होना पड़ा महिला विधायक मंत्री सभी लोग वो भी रही थी, और जिस पोस्ट पे हैं सीएम के पोस्ट पे रहकर ये टिप्पणी दे रहे थे, बहुत वहाँ पे मतलब गलत लगा देखकर। तो क्या लगता है अब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या, या फिर उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते, मैं अब बीजेपी देखे जिस पार्टी से वो देखे, लेकिन ये बयान गलत, ये जो बोले ये नहीं बोलना चाहिए था उनको, ऐसे मतलब महिलाओं के ऊपर टिप्पणी देते हुए बोले कि महिला अगर एजुकेशन हम महिलाओं को इसलिए देते हैं ताकि इसी पर मतलब महिलाओं ही रोक लगा सके, जेंट्स जो है वो तो करते ही है, मतलब इस तरीके का सेक्स पर बात इनडायरेक्टली बोले, बहुत गलत बात है, और बिहार के सीएम होते हुए भी बोले मतलब उनको माफी चलता, लेकिन ये जिस पोस्ट पर जिस जगह पर है वहाँ से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, माफी मांगेंगे क्या करेंगे, वो जाने तो शर्मसार हुआ है ना बिहार, मानते हैं शर्म तो माफी मांगेंगे, मांगेंगे फिर कि हमें ये बदलाव ये बदल रहे हैं हमको माफ कर दीजिए, अब ये जो नहीं आएंगे आप, जब एक बार बोल दिए तो वो तो पब्लिक को अब जो जनता है उसको अब एक्शन लेना है, ये गलत हुआ है। आप बताइए कितना जायज मानते हैं कल जो बयान हुई सदन में मुख्यमंत्री जी ने, जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह का बेतुका बयान लगातार देते आ रहे हैं जिससे बिहार का धूमिल पूरे विश्व स्तर पर और देश भर में धूमिल होते जा रहा है, जिस तरह से कल नीतीश कुमार जो कि बिहार को लोकतंत्र का जननी माना जाता है और ऐसे बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा हो या विधान परिषद हो और उस मंदिर में जा करके जिस तरह से महिलाओं के ऊपर उनका टिप्पणी है, ये कहीं ना कहीं बिहार को दर्शाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री दिमागी संतुलन उनका खराब हो गया है, हमें तो लगता है कि उनको पहले काके जाकर के इलाज कराना चाहिए उसके बाद ही मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालना चाहिए। कोइलवर में भी तो मानसिक आरोग्यशाला है यहाँ लोग, हाँ अभी भोजपुर जिला में भी मानसिक बहुत अच्छा बनाए हैं, हम तो कहेंगे कि आप ही खुद बनाए हैं इसको, आप जाकर के खुद ही उसी में भर्ती हो जाइए, क्योंकि आपका जो मानसिक संतुलन है, कभी श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो जहाँ फोटो पे पुष्पांजलि करना है तो आप अशोक चौधरी पे कर देते हैं, कभी हम देखते हैं कि महिलाओं पे सदन में जो जिस प्रकार से कल बोले हैं ये सारा सर गलत चीज है, मतलब माफी मांगनी चाहिए उनको, माफी ही नहीं मांगनी चाहिए उनको, माफी के साथ साथ राज्यपाल को सभी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि उनको तत्काल मुख्यमंत्री से हटाने का प्रबंध किया जाए, उनको बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए, मतलब रहने लायक नहीं है, अरे बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं भाई, बिहार का संस्कृति और सभ्यता के बारे में उनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री है उस राज्य के बारे में उनको नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ बोल रहे हैं और किस सदन में और किस प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, ये उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है। आप बताइए कल जो बयान दिया है मुख्यमंत्री जी ने वो कितना जायज है एक बिहार के संदर्भ में या देश? जायज की बात छोड़िए, गाना आया था कुछ दिन पहले उन्हीं के कार्यक्रम में गाना गाया गया था कि एक व्यक्ति गांजा पी के चिलम दिए लहराई, कल वो मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि ये गांजा पी के पूरे बिहार को बदनाम कर दिए, और कहने में हम लोग को शर्म आ रही है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा बयान पूरे देश भर का पूरे इतिहास में आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया होगा, वो भी सदन जैसे पवित्र जगह पर, सदन जैसे। कल तो महिलाएं रो भी पड़ी, आप भाजपा की MLC रो पड़ी उस बयान को सुन करके, कोई भी महिला कोई भी छात्रा जो उसको ये सुनने को मिलेगा, एक तरफ ये लोग छात्रा को पढ़ाने और बढ़ाने की बात करते हैं और वही छात्रा जो पढ़ जाती है तो उसके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करते हैं,
ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म से मर जाना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे केवल बिहार की महिलाओं और छात्राओं से ही नहीं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द, अगर जल्दी इस्तीफा नहीं देते हैं, राज्यपाल बर्खास्त नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंकने का काम करें। आप बताइए, आप क्या कहेंगे कल जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है? कल बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है सदन के अंदर, ये बहुत ही अशोभनीय कार्य है। और ये इस तरह के उनके अंदर जो भाव है, ये क्या देश का नेतृत्व करेंगे? ये जो सपना देख रहे हैं कि हम देश का नेतृत्व करेंगे, इस तरह से महिलाओं का अपमान करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने सदन में काफी अमर्यादित बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बयान, ये कितना सही है? कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में बयान दिया है, उन्होंने अपने चरित्र का निर्माण वहाँ प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी सोच कितनी अच्छी है और किस तरह उन्होंने बिहार को पूरे देश में बदनाम करने का काम किया है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते कितना जायज है ये बयान? एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो उन्होंने सदन में बयान दिया, वह गलत है। इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री सदन के अंदर देते हैं तो उससे सदन की गरिमा तो गिरी ही गिरी, मुख्यमंत्री की वजह से पूरे देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बिहार की छवि को उन्होंने धूल मिल करने का काम किया। क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तमाम लोगों से? उनको स्वतः माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कल से ही सारे चैनलों पर यह चल रहा है, उनको स्वतः माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो मैंने बोला वह भूल चुक में बोल दिया या गलती से बोले, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उनको स्वतः माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, गलत है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।